नमस्कार, मैं हूं धनश्री। खबर समय जगत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजातरीन खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और संगठन को किस तरह से मजबूत किया जा सके इसको लेकर विचार मंथन भी शुरू हो गया है, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है। पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संगठन को जिले वाइज कैसे मजबूत किया जा सके इसको लेकर जिला अध्यक्षों विधायकों से बैठक में चर्चा की और उन्हें निर्देश दिए कि अपने अपने क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करें और जो कार्यकर्ता है उनके बीच पहुंचकर उन्हें भी कांग्रेस के अभियानों से जुड़े से कांग्रेस को मजबूती मिल सके और 2023 में कांग्रेस बहुमत के साथ अपनी सरकार बना सके। मांग रहे हैं और सबको पॉइंट टू पॉइंट काम करने का तरीका बताया है, तो इस हिसाब से कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में, अपने विधायक अपने क्षेत्र में, एमपी अपने क्षेत्र में किस तरह से काम करें वो सब काम करने का अपने गुरु मंत्र दिया है। उस मंत्र के अनुसार ही हम लोग संगठन को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने 2022-23 का इलेक्शन है, उसको कैसे पार लगाए और कैसे जीत करके दिल्ली और भोपाल की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार बनाए, इस बात को लेकर एक गंभीर मंत्रणा चल रही है। कमलनाथ जी ने ये भी कहा कि कांग्रेस से ज्यादा बाल कांग्रेस में उत्साह है। बिल्कुल, जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ तो करेंगे। बाल कांग्रेस की बात की उन्होंने, यूथ कांग्रेस की बात की है और संगठन को मतलब और कैसे मजबूत किया जाए जिले वाइज और जिला अध्यक्ष को कैसे मजबूत किया जाए वो सारे उन्होंने अपने तरीके से समझाई दी है, तो उस मुताबिक हम लोग काम करेंगे, करवाएंगे। संगठन में बदलाव होगा। बिल्कुल, जिला अध्यक्ष को भी मैंने कहा है कि अपने अपने जिले में दौरा करें, गांव में बूथ वाइज हर जगह जाके जहाँ जहाँ लोगों को कार्यकर्ता जो घर बैठे उनको निकालें और उनको जो बुजुर्ग हैं कांग्रेसी उनको भी सम्मान दे। ये सारी चीजें हैं जो एक संगठन के बड़े बदलाव के संकेत हैं। बदलाव कोई बदलने की बात नहीं है, अभी और कैसे कसावट लाई जाए, कैसे बना जिला अध्यक्ष और युद्ध मजबूती के साथ अपना काम करने के लिए उन्होंने निर्देश दिया है, तो निश्चित ही हमारा संगठन के सभी पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष और सब काम करेंगे। नहीं, जो भी कहा, अगर किसी कारणवश पारिवारिक कारण हो सकता है या कोई मैंने एज के हिसाब से या बीमारी हिसाब से कोई परेशानी है तो छोड़ सकता है और दूसरे अध्यक्ष का नाम प्रपोज करें, ये उन्होंने कहा है। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon.